हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं एक पिका कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किसी और क्या बातें कर रहे थे, आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही आपको बताना है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, वो आपके बारे में आज की शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ चीज़ें थी जो कि आप से जो है ना रेजोनेट जो है, या फिर कहे तो आपसे रिलेटेड थी। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सबसे पहले हम पाइल बनाएंगे, पाइल वन और पाइल टू। देखते हैं पाइल वन के लिए क्या यूनिवर्स हमें कार्ड देते हैं। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, पाइल वन के लिए प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, पाइल वन के लिए प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए। पाइल वन के लिए प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, पाइल वन। ओके, सो पाइल टू, पाइल वन और पाइल टू। ओके, सो दो कार्ड निकल चुके हैं। आप सबसे बता दूं कि प्लीज़ आप सब ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव नहीं है, पिका कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पाइल वन और पाइल टू की, तो देखते हैं पाइल वन कौन सा कार्ड आया है। तो पाइल वन आप लोगों के लिए आया है स्टार की एनर्जी, वाओ स्टार की एनर्जी है। एंड पाइल टू आप लोगों के लिए है यहाँ पे विच का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे पाइल वन पाइल टू, सो पाइल वन को मैं दिखा देती हूँ आपको नज़दीक से, आप लोग देख सकते हैं यह पाइल वन। ये कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड के जो है साथ जा सकते हैं, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अगर आपके आपका किसी भी महीने की 5 तारीख को जन्म हुआ है तो आप जो है इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। किसी भी 5 तारीख को, महीने के किसी भी 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, ठीक है, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ पाइल टू, पाइल टू, ये है पाइल टू, तो यह है पाइल नंबर टू जो कि है नंबर 27। अगर आपके जो आपका जो जन्म है किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी महीने की 18 तारीख, या किसी भी महीने की 27 तारीख को हुआ है तो ये जो है रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ऐसे भी आप कार्ड को समझ सकते हैं, ऐसे भी आप कार्ड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पाइल वन की। तो पाइल वन आपसे रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। तो चलिए सीधे रीडिंग में मिलते हैं, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं सीधे। ठीक है, सो हेलो पाइल नंबर वन, कैसे हैं आप सब? आप लोगों की एनर्जी क्या है ये हम बात करते हैं। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप ना आजकल बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बड़ी मैनिफेस्टेशन में लगे हो, मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी विश जो है ना फुलफिल हो जाए, आपकी विश जो भी विश है ना आपकी विश कंप्लीट हो जाए, आप जो भी विश मांग रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हो ना कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है अपने गोल को जो है देखने में, या अपने गोल को समझने में, या अपने पार्टनर को समझने में आपने बहुत टाइम लिया है। मुझे यहाँ पे अब लग रहा है कि आप जो है बहुत सारे सपने देखते हो, बहुत ज़्यादा दिन में भी सपने देखते रहते हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि होता है ना कि विजुअलाइज करते रहते हो, और वो विजुअलाइजेशन जो है ना अब चाहते हो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना ऐसा फील कर रहे हो कि अब जो है आपके कोई भी काम जो है, जो भी आपके काम बनने चाहिए, जो भी आपके काम होने चाहिए, ठीक है, वो काम जो है आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ये वो काम जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी को है ना लाना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्टार्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, आपको ऐसा भरोसा है, आपको लगता है कि हाँ आपको ट्रस्ट जो है ना होना चाहिए, या आपको ट्रस्ट है। ठीक
ठीक है, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन रहा है, जो भी कनेक्शन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में है और बहुत ही पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो यस, चलिए अब हम देखते हैं आपके कार्ड्स की रीडिंग, आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, देखते हैं कि क्या कार्ड बताते हैं आपके आपकी एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, सो आज शाम ये पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे देख रहे हैं आज की रीडिंग में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जस्ट अ मिनट, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यह मेरे पास टावर की एनर्जी, ओके, ठीक है, दिख रहा है आपको टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बातें करते हुए दिख रहे हैं जो कि हो सकता है कि आपने कभी ना सुनी हो, है ना। सो देखिए, ये पर्सन जो है सबसे पहले कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अपनी जो सिचुएशन है ना उससे मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं जो है ना जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं जो है सही मायने में चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, हर एक चीज़ सही हो जाए, हर एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हर एक चीज़ सही होना बनता है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होना बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में, और मुझे जितना जो है समझ में आया है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के साथ गलत कर रहा हूँ, खुद के साथ गलत कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं, आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा और मेरे पार्टनर का कनेक्शन बहुत ट्रू है, लेकिन फिर दोबारा ही पल में जो है ना, दो ही सेकंड में जो है ना बातें बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा रिलेशन क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है लाइफ में, मेरे बहुत चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ जो है ना देखा है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन मेरे सामने नहीं आई है, इस तरीके की बातें मेरे सामने नहीं आई हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जो रिश्ता है ये इस तरीके से होगा, यानी कि कोई जस्टिफाई करेगा, इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हाइड करेगा, मेरा पार्टनर ही है मुझसे खुल के बातें नहीं बताता, मेरा पार्टनर ही है जो मुझसे खुल के जो है ना कहता नहीं है कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। मैं अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करता हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस करता हूँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैं तबाह हो गया हूँ, मेरे अंदर वो तबाह वाली एनर्जी है, मेरे अंदर वो ऐसी वाइब है ना कि मतलब समझ नहीं आता कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो वाली वाइब है मेरे अंदर, क्यों होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता है, बट मेरा जो मानना है ना वो मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ अकेलापन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या करूँ, अचानक से चीज़ें बदल गई हैं, अचानक से बहुत कुछ बदल गया है, अचानक से बहुत सारी बातें जो है ना चेंज हो गई हैं, अचानक से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक अचानक जो भी हो रहा है, अचानक अचानक जैसा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में, मेरे मन में है ना ये चीज़ें भरी पड़ी हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, अचानक से मेरा पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, या मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, बहुत चीज़ें हैं यार, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं नहीं समझ पा रहा, मैं कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहा अपनी लाइफ को, बहुत कुछ जो है ना, अब मैंने अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि
मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा मन को, है ना, कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा मन, मेरा दिल जो है ना, बहुत परेशान रह रहा है। मेरा मन, मेरा दिल जो है ना, बहुत परेशानी में है। मेरा मन, मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रह रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार क्या होगा मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट मैं अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न में हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे करना है, लाइफ मेरी कैसे चलेगी। यार डिसीज़न ले नहीं पा रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लगता है कि देखी हुई चीज़ें भी अनदेखी हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ अपने पार्टनर को, फिर भी लगता है कि मैं अनजान हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि यार सच में क्या मैं पागल हो गया हूँ कि उसके प्रति जो है ना इतना ज़्यादा मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब निगेटिव फील होता है। बहुत ज़्यादा मैं निगेटिव फील करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर की ऐसी क्या है, क्या भावना है, ठीक है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ही एन्जाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ कि है। लेकिन मैं अंदर से शायद पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, या मेरी कमियों को जो है ना कहीं उसने पूरा किया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसके जैसा पर्सन मिलना और उसके जैसी बातें करना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, नाइन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो कि बताता है कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार रात को नींद नहीं आ रही है, अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट हो रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा एन्जाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे मेरे मन में जो बातें होनी चाहिए ना, वो बातें मैं बता नहीं पा रहा। मैं क्या कहूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर कुछ समा सा गया है। मैं अंदर से इतना जो है निगेटिव नहीं सोचा करता था, लेकिन अब जो है ना इतना ज़्यादा मैं निगेटिव हो गया हूँ ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे अंदर कुछ कुछ वाइब भी नहीं है यार, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे अंदर कुछ कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं प्यार बहुत करता हूँ उससे, कुछ भी हो, प्यार बहुत करता हूँ मैं उससे। प्यार के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकते मैं प्यार नहीं करता, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब भावनाएं हैं ना कि मैं समझ नहीं पाता कि यार कैसे होगी, चीज़ें कैसी होंगी, है ना। मुझे अपनी लाइफ को सही करने का है, मुझे अपनी ज़िंदगी को सही करने का है। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन सही करने का है यार। रास्ता बताओ मुझे, कैसे होगा, रास्ता बताओ, प्लीज़ 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 रास्ता बताओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। आज शाम को क्या कुछ जो है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, डेथ का कार्ड है। ओके, 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 एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे तो तेरा गेम कुछ अलग ही लग रहा है, ठीक है। मुझे तो तेरा गेम कुछ अलग ही लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि
कि तू बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत निगेटिव सोच रखता है, और तुझे तेरा पार्टनर जो है ना अट्रैक्टिव बहुत लगता है, तेरा उसके साथ कनेक्शन जो है ना सेक्सुअल कनेक्शन है, तू फिजिकल हो चुका है उसके साथ, ठीक है, ये बात तू मुझसे छुपा रहा है। देख तू बातें बहुत छुपा रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन तू फिजिकल हो चुका है ये मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो तुझे जो तू बातें छुपाना चाह रहा है ना वो तेरे से छुप नहीं रही हैं, ठीक है। बात सीधी सी है कि तूने जो है बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही करी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है ना कि तू अपनी लाइफ में कभी भी, ठीक है ना, कभी भी निगेटिव जो बातें हैं वो तो तू सोचा नहीं करता था, अब तू निगेटिव बातें क्यों सोचता है? निगेटिव बातें मत किया कर, ठीक है, निगेटिव बातें मत किया कर। मुझे ऐसा लगता है कि तू ये चीज़ें करके गलत कर रहा है, ठीक है, तू ये चीज़ें करके बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तुझे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें तुझे तुझे शोभा नहीं देती हैं, ठीक है ना। तुझे जो है ना मुझे तुझे जो है ना बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपने आप में कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तू अपने आप में कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना सोच रहा है, ठीक है ना, तू बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि तू सच में है ना, तू सच में बहुत तेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, ठीक है, लेकिन तुझे जो है ना ये चीज़ें जो है ना ख़त्म करनी होगी, तुझे जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म करके जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं है ना पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है, पॉजिटिव रह करके तू जो है ना अपने लाइफ को है ना सही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इस तरीके की बातें ना किया कर, तू इस तरह निगेटिव ना हुआ कर, तू निगेटिव बातें ना सोचा कर, जो तूने जो जो यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है ना उसको कम से कम तू अनब्लॉक कर और अपने रिश्ते को सही कर। तेरे से मैं यही कहूँगा कि तू अपने रिश्ते को सही कर, अपना रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा जो है सही कर सकता है, अगर तू उसके साथ इसकी बात को सुनेगा, उससे बात करेगा, तो तुझे भी पता होगा कि ये कितना पैशनेट है। ऑनलाइन कनेक्शन तुम दोनों का हुआ है और दोनों ने बातें करी है, ऑनलाइन कनेक्शन कोई ख़राब कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तू बस अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कर और उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर, थोड़ा ट्रस्ट करेगा तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें तेरे सामने आए जो कि क्लियर हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो तेरे सामने होनी चाहिए और होगी ही होगी, ठीक है। तू इस तरीके से अकेलेपन में मत रह, खालीपन में मत रह, तू जो है बात कर, बात करके देख तेरा क्या है क्या नहीं है, बात करके देखेगा ना तुझे कुछ समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि तुझे क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तुझे लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी लाइफ में तेरी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना तू कर सकता है, ठीक है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको तू सुलझा, और अपने करियर के प्रति, अपने जॉब के प्रति भी तू सीरियस अगर होना चाहता है ना तो तू सीरियस हो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैटर को सॉल्व कर, क्योंकि तू उससे प्यार करता है, तो उसे इमोशनली नहीं पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि पहले तुम जो है ना अपना रिलेशनशिप ठीक करो, उसके बाद बाकी की चीज़ें ठीक करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो अपने रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अनुसार से। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है भाई कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारा जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, और इस खूबसूरत से रिश्ते को तुम दोनों निभा सकते हो, ठीक है, बस लाइफ में ये चीज़ें ध्यान रखो कि हाँ तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है, बाकी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, और मुझे लगता है कि तुम बात करो, एक बार बात करो, ठीक है, बात करोगे तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी, आज की रीडिंग पाइल 1 आपके लिए, कैसी लगी रीडिंग और कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। हाँ कभी कभी मैं जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ, उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में सुन सकते हो आप, है ना,
और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल आरओ रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है आप लोगों ने चूज़ किया है उसके लिए कार्ड ये जस्टिस इज कमिंग विच का कार्ड है जो कि आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर टू। सो पाइल नंबर टू आपकी रीडिंग करते हैं। पहले मैं आपकी सिचुएशन बता देती हूँ, आपने ये कार्ड क्यों चूज़ किया है। सो याद रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव नहीं है, पीका कार्ड रीडिंग है। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। तो गाइज आज की रीडिंग में जो कार्ड चूज़ किया है आपने उसके अनुसार से आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे बता रही है चीख चीख के कि भाई मुझे इनसिक्योरिटी है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में या आप अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो। आपको लगता है कि भाई आपके साथ तो गलत हो गया है, आपने किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपने किसी को गलत तरीके से गलत इंटेंशन से कभी ट्रीट नहीं किया, बट आपके साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है, आप ये सोच के बहुत परेशान हो। आपकी एनर्जी में मुझे दिखता है कि भाई आपने हमेशा दूसरों की हेल्प करी है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने में जो है आप आगे रहे हो, बट अब जो है आपकी एनर्जी बताती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने जिसकी हेल्प करी, उसने ही आपको है ना तकलीफ़ दिया है, उसने ही आपको दर्द दिया है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जस्टिस करना बनता है, मुझे ऐसा फील होता है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन को अपनी कहते हैं ना कि जैसे अपनी मतलब किसी की हेल्प करके एक होता है ना इंसान गिल्ट फील करने लगता है और लगता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, गलती कर दी मैंने। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दिया है। ठीक है, उसकी हेल्प मुझे नहीं करनी चाहिए थी या फिर मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपने गलती तो करी है। अब जो है आपको पता चल रहा है, अब जो है आपको रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, बट हाँ अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें आप जस्टिस चाहते थे, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड में। ठीक है, तो यह है पाइल नंबर टू, आपसे आपकी सिचुएशन मैच की है या आपसे कुछ बातें रेजोनेट की है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड कीजिएगा। द लवर्स का कार्ड है, वाओ। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो। डबल का कार्ड है, उसी पाइल के कार्ड्स जो है ना इधर के उधर उधर के इधर आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओके, मैं पहले कार्ड को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कार्ड शायद जो है ना जो आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे? चैरिट की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे? बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि भाई आज की शाम आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में है, काफ़ी गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर।
ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं तो कहीं इनकी नोकझोंक भी हुई है दोस्तों से। नोकझोंक में आपके पार्टनर ने क्या बोला है, इन्होंने क्या किया है, वो चीज़ें हम बातें कर रहे हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो डिवाइन के तरफ से जो कार्ड आया है, पहला लवर्स का कार्ड आया है। जेमिनी काफ़ी स्ट्रांग साइन है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, मेरा कनेक्शन भले ही ऑनलाइन था, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू हम दोनों मिले, बातें हुई और धीरे धीरे प्यार पनपा यार, धीरे धीरे प्यार हुआ, प्यार बहुत जोर शोर से हुआ था, प्यार में कोई कमी नहीं रही, बहुत प्यार मिला, मैंने भी बहुत प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, ठीक है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरा उसके साथ कनेक्शन है, मुझे यही सोच के काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा कनेक्शन उसके साथ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो, मेरा उसके साथ जो कनेक्शन बना है ना, वो कहीं भी कभी भी नहीं टूट सकता है, कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, खालीपन में फ़ील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं करने का है, ठीक। मुझे जो है ना उससे बात करना है, बातें काफ़ी अच्छी होती हैं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बातें बहुत अच्छी होती हैं। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, अब बातें हो नहीं रही हैं मेरी, बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, मैं क्या करूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैंने जो भी किया है मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं दब गया हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं दबा रहा हूँ, मेरी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं उसका इतना दीवाना हो गया हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं उसके तरफ से अपने आप को नहीं हटा सकता, कुछ भी कर लूँ मैं हटा नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे, मतलब मैं नहीं पीछे हट सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, बहुत 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 परेशान हूँ, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं ना वो मेरी भावनाएं ख़त्म हो गई हैं, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर की जो फीलिंग है, मेरे अंदर की जो वाइब है ना वो मतलब ख़त्म हो रही है, मैं क्या करूँ यार, इतना निगेटिव हो गया हूँ ना कि कुछ सोचने का, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से जो है दुखी हूं, और मैं जो है कहीं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हूं, मैं क्या कहूं मैं तुमसे, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो आत्मा है ना वो मुझे मतलब घिन आती है, मुझे इतनी ज़्यादा मुझे एंजाइटी, इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस फील होता है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। डेविल की एनर्जी जो कि मुझे मुझे कुछ करने नहीं देती, मुझे जो है ना एकदम पागल बनाए हुए है ये डेविल की एनर्जी, मुझे ये पागलपन वाला जो है ना ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, मेरे अंदर जो है ना एक हीन भावना ऐसी आ गई है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ कर बुझ कर है ना, तब जो है ना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ कर कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को मैं हल करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कैसे होगा मेरे से कुछ नहीं पता, मुझे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो है ना वही चाहिए, क्योंकि उसके जैसा मैच्योर पर्सन या उसके जैसा पॉजिटिव पर्सन मैंने नहीं देखा आज तक अपनी इस ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे बस उसके साथ जीने का है, मुझे बस उसके साथ करने का है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का है, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना ये अंदर से लगता है कि मैं नहीं है ना, मैं नहीं भुला सकता उसे, मैं नहीं भुला सकता, मुझे मिलने का है उसे, मुझे बातें करने का है उसे, कहीं भी करके यार अरेंज करो कि मैं उसे मिलूं, मैं उससे बात करूं, कुछ तो ऐसा करो कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, वो मुझे खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, कुछ तो ऐसा करो कि वो मेरे पास आ जाए,
कैसे भी करके यार करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना किसी और से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, किसी तीसरे से बात करता भी हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरा मन सिर्फ उसके तरफ ही जाता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा कनेक्शन उसके साथ है, मेरा कनेक्शन उसी के साथ है। और मैं देखो मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई भी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्टी टेम्पररी थी यार, टेम्पररी थी, ठीक है। मुझे टेम्पररी रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अब परमानेंट रिश्ता चाहिए, परमानेंट पूरी तरीके से। मेरी ज़िंदगी को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, मुझे मुझे अब कुछ जो है ना नहीं करना है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे जो है ना अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब लग रही है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर का जो है ना वाइब वो कहीं ना कहीं उसी के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस बस उसके लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है, जो होना है उसी के लिए होगा, ठीक है। तुम बताओ कि मुझे क्या करना है अब। तो देखते हैं कि इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, हायरोफैंट। ओके, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, एस ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातें ऐसी हैं, ये पर्सन जो है सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या करूँ मैं, है ना। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू सोच ले, ठीक है, तू सोच ले, पहले सोच ले कि तुझे क्या करने का है, तुझे क्या करना है, तुझे कैसे करने का है, तुझे लाइफ को कैसे मैनेज करेगा, तू कैसे मैनेज करके देखेगा, है ना, ये तू देख ले, तू ये समझ ले, ठीक है। तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा, तुझे फील करना होगा अपनी ज़िंदगी को, कैसे तू सही मायने में सही तरीके से कैसे तू ट्रीट कर सकता है या कैसे जो है सही तरीके से तू देख सकता है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है इस रिश्ते में या तुम जो है अपने लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही तरीके से, है ना, डिसीज़न लेना होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा सही तरीके से डिसीज़न लेकर के चलना होगा। तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो ना, तो मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि यार मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प करूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि देख, तुझे जो है ना दुआ मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मैं तुझे को सीधे से रास्ता यही बताऊंगा, तो तुझे दुआ मांगना चाहिए, तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तू कितना प्यार करता है ना उससे, ये सिर्फ तू जानता है, बाकी कोई और नहीं जानता, ठीक है। तेरा उसका कनेक्शन क्या है, ये सिर्फ तू जानता है। तेरा उसका कनेक्शन कितना सोल लेवल पे है, कितना डीप लेवल पे है, ये सिर्फ तू जानता है, ना मैं जानता हूँ ना ही कोई और जानता है। तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तुझे करना होगा, तुझे पॉजिटिव बनना होगा, तुझे पॉजिटिव चीज़ें करनी होगी। इतना निगेटिव मत सोच, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी में मत रहे, इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने से अच्छा है इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच कि वो हो के रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना, ये तू कर सकता है। तू ये चीज़ें कर, तू ये चीज़ें करेगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से रह पाएगा, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को कर पाएगा। तू इस तरीके से मत कर, तू इस तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को डीपली जो है जान, ठीक है, समझ,
डीपली जान जाएगा, समझ जाएगा, तो तू काफ़ी चीज़ें आगे कर पाएगा। तू ये चीज़ें नहीं करेगा, तू वो तू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जो रहता है वो कन्फ्यूज़न में तू नहीं रहेगा, ठीक है। तेरा तेरा एक ही चीज़ कहूँगा कि तू अपने रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव वे में जो है ना बातें कर सकता है, जितना पॉजिटिव रह सकता है, जितना पॉजिटिव कर सकता है ना, उतना पॉजिटिव करने की तू कोशिश कर। मेरा मानना तो यही है कि तेरा रिश्ता है तो तू उसके साथ कनेक्शन में गया, या तूने बात करा, या जो भी तेरी बातें हुई, जैसे भी बातें हुई, अपने कनेक्शन को फील करके तू देख क्या होता है, तेरी लाइफ में क्या होता है, तेरी लाइफ में कितना ज़्यादा होता है, तेरी लाइफ में कितना ज़्यादा कनेक्ट होता है, ये तू देख, ठीक है। उसके बाद देख तेरी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तू जो है ना डरता है, बेकार में डरता है, ठीक है। डर नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ने का वक्त है, यहाँ पे एक्शन लेने का वक्त है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तुम दोनों के बीच में हुए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तू इसको चेंज कर सकता है, तू इसको बहुत जल्दी चेंज कर सकता है, बहुत पॉजिटिव वे में चेंज कर सकता है। इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके की वाइब तेरे अंदर होनी चाहिए कि तू कर, ठीक है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। तू इतना ज़्यादा डर मत, तू इतना ज़्यादा जो है तकलीफ़ में मत आ, अपने आप को पॉजिटिव कर, अपने आप को पॉजिटिव जो है ना ले करके आ। एंड मैं जो है तुझे तेरे से यही कहूँगा, ये सब वॉन्ट्स का कार्ड है, तू एक नई शुरुआत कर सकता है, बहुत अच्छी एक नई शुरुआत कर सकता है, इसमें तुझे कोई मात नहीं दे सकता है। तो इससे अच्छा है कि तू एक नई शुरुआत कर, जो कि तेरे लिए बहुत बेहतरीन होगा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तू जितना कर सकता है उतना तूने किया है, और मैं सोचता हूँ कि तू आगे भी वो चीज़ें कर सकता है, आगे भी वो चीज़ें करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ना अपने आप को तू मैनेज कर, ठीक है, मैनेज करके चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, जान सकता है, और बाकी बहुत कुछ कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ऐसा ही करना चाहिए, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है। तू एक न्यू बिगनिंग कर, ठीक है, टेंशन नहीं ले, एक न्यू बिगनिंग कर, न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर। मुझे ऐसा लगता है कि तू संभाल लेगा, और बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेगा, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, रेजोनेट करेगी। आई होप आप सब जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे खुद को। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।